यानी एक ही इशू के ऊपर वो जो है एक दफ़ा डाटा कलेक्ट करता है फिर दूसरी दफ़ा कलेक्ट करता है और हो सकता है वो ये दो से तीन दफ़ा या चार दफ़ा या पांच दफ़ा भी डाटा कलेक्ट करे एंड इन लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ सम रिसर्च स्टडीज़ रिक्वायर मोर फंडिंग एंड टाइम क्योंकि इसमें आपका जो बहुत ज़्यादा आपने डाटा कलेक्ट करना होता है और इसमें टाइम इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए आपको फंडिंग भी चाहिए और उसके लिए आपको टाइम भी चाहिए एंड रिज़ल्ट आर मोर एक्यूरेट दैन द क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ तो इस हवाले से लॉन्गील स्टडीज़ की जो सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा होती है कि इसके रिज़ल्ट जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ और उसको हम जो है जनरलाइज भी कर सकते हैं तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ की तो तीन तरह की लॉन्गील स्टडीज़ होती हैं टाइम सीरीज़ पैनल स्टडी एंड कोहो स्टडी तो अब देखते हैं पहले के टाइम सीरीज रिसर्च क्या होती है टाइम सीरीज़ रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम डेटा गैदर करते हैं ऑन अ कैटेगरी ऑफ पीपल और अदर यूनिट्स अक्रॉस मल्टीपल टाइम्स जैसे कि हम देखते हैं कि जो है फर्टिलिटी रेट जो है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो कैसा है अक्रॉस द टाइम पीरियड उसमें मोटेलिटी रेट क्या है उसमें मिटर्नल मोटेलिटी रेट क्या है यानी 1970 से लेके 2022 तक जो है आ, किसी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान में उसमें फर्टिलिटी रेट क्या रहा मोटेलिटी रेट क्या रहा उसमें मटर्नल मोटैलिटी रेट क्या रहा वहाँ पे किस किस डिजीज़ की प्रिवरेंस है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम तो ये एक टाइम सीरीज रिसर्च होगी पैनल स्टडी इन पैनल स्टडीज रिसर्चर्स कंडक्टिंग अ पैनल स्टडी टू ऑब्जर्व और गैदर डेटा ऑन एग्जैक्टली द सेम पीपल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस टाइम uh, पॉइंट्स यानी पैनल स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें आपके रिस्पॉन्डेंट सिमिलर रहते हैं मगर आप उनसे अक्रॉस द टाइम पीरियड जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं जैसे कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई नए स्टूडेंट्स एंटर हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप उनके डिफरेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट करें फिर उनकी थर्ड सेमेस्टर में वही साइकोलॉजिकल असेसमेंट करें फिर वही उनकी जो है आप जाकर फिफ्थ सेमेस्टर में साइकोलॉजिकल असेसमेंट करें और फिर सेवन्थ सेमेस्टर में वो कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट करें तो ये जो स्टडी होगी ये जो है पैनल स्टडी होगी यानी आपके रिस्पोंडेंट्स जो हैं वही रहेंगे और आपने डिफरेंट फेजेस में उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की है जो नेक्स्ट टाइप है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ की वो है कोहट स्टडी ये सिमिलर है पैनल स्टडी से बस इसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि इस पर रेस्पॉन्डेंट चेंज हो जाते हैं फॉर इंस्टेंस अब मैं एक साइकोलॉजिकल असमेंट करना चाह रहा हूँ मेंटल हेल्थ ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जो एम और पी कर रहे हैं तो एक वक्त में मैं एम फिल का डेटा कलेक्ट और पी स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर लूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से और दूसरे वक्त में मैं ये डेटा जाके कलेक्ट कर लूँ कायद अजम यूनिवर्सिटी पे तो थर्ड टाइम मैं ये डेटा कलेक्ट कर लूँ जाके बाउुद्न जिक्रिया मुल्तान यूनिवर्सिटी से तो ये कोहट स्टडी होगी यानी उनकी बेसिक करेक्टरस्टिक्स तो सिमिलर रहेंगे कि वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो उनकी सिमिलर रहेंगी मगर हम उनकी जो है मेंटल हेल्थ देख रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड और वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनका तलक है तो इस तरह की स्टडी को जो है हम कोहट स्टडी कहते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इन रिसर्च हमने जो है देखा है कि Uh, uh, जो बेसिक टाइप्स हैं वो दो हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में जो है फिर आगे तीन टाइप्स हैं टाइम सीरीज पैनल स्टडी एंड कोविड स्टडी थैंक यू